अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है और आप लोग देख रहे हैं मुरसलीन कैड मॉडलिंग। तो पिछली वीडियो में हमने प्रोजेक्ट नंबर 5 बनाया था, तो हम अगले प्रोजेक्ट की जानिब बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट नंबर 6। ये प्रोजेक्ट नंबर 6 है आपके सामने। अब हम इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं प्रोजेक्ट नंबर 6 की। तो ये इसकी लेंथ है 6 mm की और इसकी विथ है 9 mm की, इसकी विथ है, और इसकी थिकनेस है 1 mm की। सो हम जाएंगे क्रियो पर। क्रियो ओपन करा आप लोगों ने, आप लोग को पता होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी सेट करी आप लोगों ने, उसके बाद न्यू पर गए, पार्ट ही बनाना है यहाँ पर। उसके बाद पार्ट का नाम रखना है, पार्ट का नाम मैं रख रहा हूँ प्रोजेक्ट नंबर 6। ओके करना है यहाँ पर आप लोगों ने। उसके बाद प्रिपेयर में जाएंगे, मॉडल प्रॉपर्टीज़, यूनिट चेंज करना है। यहाँ पर इंच में है तो हम mm में करेंगे, चेंज करेंगे यहाँ पर, इसको कर देंगे mm के सेट कर देंगे यहाँ पर। ओके एंड क्लोज एंड क्लोज। सो हम चले स्टार्ट करते हैं बनाना। अब एक्सट्रूड में जाएंगे, टॉप प्लेन पर इसको बनाएंगे। तो टॉप प्लेन सेलेक्ट कर ली आप लोगों ने, यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे सेंटर रेक्टेंगल से। इसकी लेंथ थी 6 mm की और इसकी जो विथ है वो 9 mm की है, 9 mm रखेंगे। उसके बाद ओके करेंगे यहाँ पर, और इसकी थिकनेस थी 1 mm की, इसकी थिकनेस है 1 mm, तो इसको सिमेट्री कर देते हैं। ओके करेंगे यहाँ पर और कंट्रोल डी कर देंगे। देखिए ये यहाँ बन गई, इसकी सरफेस बन गई है प्लेट। और अब हम बनाएंगे इसका ये वाला हिस्सा, ये कट बनाएंगे जो यहाँ पे, ये 4 कट लगे हुए हैं तो हम बनाएंगे यहाँ पर कट। सो हम सरफेस क्लिक करेंगे यहाँ पर, एक्सट्रूड करेंगे इसको। एक्सट्रूड करने के बाद रेक्टेंगल से ही बनाएंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेंगे यहाँ पर। कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसकी डायमेंशन देख लेते हैं हम। डायमेंशन है ऊपर से और इसके ये एज से 1 mm का डिस्टेंस है यहाँ पर, और इसके सेंटर टू सेंटर है 2 mm का, 2 mm का ये है डिस्टेंस यहाँ पर। तो हम इसकी डायमेंशन देते हैं, डायमेंशन पे जाते हैं। सबसे पहले ऊपर का एज सेलेक्ट करा और इसका व्हील क्लिक करा आप लोगों ने, ये डायमेंशन आ गई यहाँ पर। 1 mm देनी है डायमेंशन, और व्हील क्लिक करा। सेलेक्ट करने के बाद इसकी डायमेंशन ये सेंटर है तो 2 mm का है। सो अब ये वाली डायमेंशन जो आप लोग देख रहे हैं 2 mm की है, तो ये रेक्टेंगल हमने बनाया है तो ये रेडियस लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये हाफ सर्कल ऑफ द ये है यहाँ पर रेडियस। तो इसका यहाँ पर रेडियस है 1 mm का ही रेडियस लगेगा यहाँ पर, 1 mm का यहाँ पर इसकी लेंथ दे देते हैं। यहाँ पर 2 mm की लेंथ दी हुई है तो हम इसकी यहाँ पर लेंथ दे देते हैं 1 mm की। तो हम यहाँ से ये वाली लाइन ट्रिम कर देते हैं और आर्क से बनाते हैं इसका रेडियस। ये आर्क से सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर इसने, सो ये बन गया है यहाँ पर। ओके करेंगे यहाँ पर और इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये रिमूव मटेरियल कर देगा। ओके करेंगे, ये बन गया, ये हाफ सर्कल। अब आपको बार बार इसको ये डायमेंशन यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधी सी बात है यहाँ पर जाएंगे, एक्सट्रूड क्लिक करेंगे यहाँ पर, मिरर की कमांड लेंगे यहाँ पर, और ये सेंटर प्लेन क्लिक करेंगे। ओके हो गया यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों ने ये दोनों क्लिक करने हैं, दोनों क्लिक करके यहाँ पर इसको मिरर दोबारा कर देना है ये वाली साइड पे। ये देखिए, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा यहाँ पे टाइम बच जाता है, तो हम एक एक करके बनाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी यहाँ पर, इसलिए हम इसको यहाँ पे मिरर कर देंगे। सो ये यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा तैयार हो गया। अब हम अगले हिस्से की तरफ बनेंगे, ये वाला हिस्से की तरफ। तो इसकी डायमेंशन है यहाँ पर 3 mm की, इसकी ये विद है, और इसकी लेंथ है 4 mm की, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। सो हम जाएंगे दोबारा, ये सरफेस क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम इसकी एक डायमेंशन और देख लेते हैं, 4 mm की है तो इसकी यहाँ पे ये 3 mm ये यूँ बनेगा, 3 mm का ये
यूँ है, और इसकी भी ये थिकनेस 1 mm की ही होगी। सो सेंटर रेक्टेंगल लेंगे, सेंटर में ही बना हुआ है तो हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। 1 mm की ये इसकी ये विड्थ हो गई, और इसकी लेंथ है 3 mm। 3 mm हमने कर दिया यहाँ पर। उसके बाद इसकी जो थिकनेस यहाँ पर जाएगी 4 mm की जाएगी। ओके करेंगे यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर इसकी थिकनेस कर देंगे 4 mm। 4 mm कर दिया हम लोगों ने, ये देखिए यहाँ पर ये बन गया है। अब इसका ये यहाँ पर देखिए, ये कोनों पे इसका रेडियस लगा हुआ है, दो कोनों पे इसका रेडियस लगा हुआ है, 0.5 का रेडियस है यहाँ पर। 0.5 का रेडियस दे देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये एक चीज़, सॉरी हम एक चीज़ तो रहेंगी, हमने ये डायमेंशन मेंशन नहीं करी यहाँ पर, ये 1.5 का, यहाँ कॉर्नर से 1.5 है। तो हम लोग एक्सट्रूड में जाएंगे, दोबारा इसको एडिट करेंगे, यहाँ पर प्लेसमेंट में जाएंगे, एडिट करेंगे। तो हम यहाँ से इसकी डायमेंशन दे देते हैं कॉर्नर से, एक कॉर्नर से डायमेंशन है 0.5। ये यहाँ पर टेंजेंट हुआ हुआ है, किसी को डिलीट करना है, यहाँ पर 1.5 ही है, ये देखिए 1.5 ही दे रहा है, तो हम ओके ही रहने देते हैं। ओके करेंगे के बाद हम सीधा सा रेडियस लगाएंगे यहाँ पर, राउंड पे जाएंगे, ये दो कॉर्नर पे रेडियस लगा हुआ है, कंट्रोल दबा के एक ही सेट में इसको कर लेंगे। 0.15 है तो हम इसको 0.5 कर देंगे यहाँ पर। ओके हो गया यहाँ पर, ये देखें। अब हम इसका ये टॉप वाला हिस्सा बनाना है, टॉप वाले हिस्से की यहाँ पर वही डायमेंशन है नीचे वाले की, बस इसकी यहाँ पर ये थिकनेस कम है, ये वाली इसकी थिकनेस है यहाँ पर 6 mm का है, तो ये 3 mm का है मेरे ख्याल में, तो यहाँ पर ये 3 mm का है। ये देखिए ये 3 mm का ही बना हुआ है, ये ऊपर वाले के इस हिस्से पर ही बनना है। तो ये इसका ऊपर वाली सरफेस क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पर, उसके बाद सेंटर रेक्टेंगल से ही बना लेते हैं इसको। सेंटर रेक्टेंगल लिया यहाँ पर, ओके करा, इसकी ये डायमेंशन दे देते हैं 3 mm की। 3 mm की हमने इसकी डायमेंशन दे दी यहाँ पर, ओके करा, और इसकी थिकनेस भी 1 mm ही है, 1 mm की ही रखेंगे, 1 mm रख दिया, ये देखिए। उसके बाद ये फुल राउंड हुआ हुआ है यहाँ से, ये देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल राउंड हुआ हुआ है। तो हम सिंपल तरीका करेंगे, राउंड में जाएंगे, इसका ये एज सेलेक्ट करेंगे, इस कंट्रोल दबा के ये, उसके बाद हमने सेट में जाना है, यहाँ पे फुल राउंड का ऑप्शन दे रहा होगा, फुल राउंड कर देंगे यहाँ पर। ओके करेंगे, दोबारा राउंड में जाएंगे, इसको यहाँ पर एक सेलेक्ट करा कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबाया, सेट पे गए, फुल राउंड कर दिया, ये यहाँ पर हो गया। ये देखिए बस अब हमने होल बनाने हैं। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी होल बनाते हुए, राउंड पे जो होल बनाता हुआ मैं दिखा रहा हूँ, मुझे तो ये सिंपल सा तरीका लगता है, मैं एक्सिस लगा के ही कर लेता हूँ। एक्सिस लगाए यहाँ पर, मैं दोनों पे एक्सिस लगाऊँगा, एक्सिस लगा लिया आपने, उसके बाद होल की कमांड ले लेनी है आप लोगों ने। होल की कमांड ली यहाँ पे, एक्सिस सेलेक्ट करा, सरफेस सेलेक्ट करा, इसका डायमीटर देख लेते हैं, इसका डाया है यहाँ पर दिया होगा, इसका डाया डाया ये रहा 1.5 का डाया है, तो हम इसका 1.5 का ही डाया है। तो ओके करेंगे यहाँ पर, होल की कमांड लेंगे दोबारा, एक्सिस सेलेक्ट करा, कंट्रोल दबा के सरफेस सेलेक्ट करी, ओके कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये हो गया प्रोजेक्ट नंबर 6 तैयार, कंट्रोल एस करके ये प्रोजेक्ट हमारा है प्रोजेक्ट नंबर 6 सेव हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पे आपने वर्किंग डायरेक्टरी सेट करी होगी है, वहीं पर ही सेव हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो कमेंट में भी बताएं आप लोग को कौन सा, आप लोग को कैसा लगा मेरा तरीका। अगर ओके, शुक्रिया।